यही वाले, हाँ जल्दी आइए बहन, जल्दी आओ। मैं चाह रहा हूं इतनी पर्ची तो बनाई दूं तो ये 51 पूरी हो जाएंगी। बोलिए पंडोखर सरकार की। पास में आइए बेटा, जो भी एक दूसरे के साथ में है बच्चों को लेके ना आए ऊपर। पास में आइए, अब आगे कोई बात नहीं, नीचे जाइए। पास में आइए बहन, पास में आइए, माइक उठाइए। जय श्री राम। कहाँ से आई बहन? यहीं से। कहाँ से आई? क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम? पूनम नामदेव। हैं? पूनम नामदेव। पूनम नामदेव, अरे वाह क्या बात, क्या पूछना चाहती बेटा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहन की सगाई होती है, एक बार हो गई, फिर से दोबारा हुई, लड़का बिल्कुल सही है, बढ़िया है, लेकिन उसकी माँ बार बार फोन कर रही है कि रोइए मत, हिम्मत कीजिए, बोलिए। क्या नाम उसका? रिंकी। है? क्या नाम है? रिंकी। रिंकी। उसके पति का नाम क्या था पहले का? पहले का नाम याद नहीं आ रहा। चलिए दूसरे पति का नाम क्या है? इसका नाम है विनय। विनय, मतलब पहला था तो भूल गए? नहीं नहीं, उसकी शादी नहीं हुई थी, हम लोगों ने सगाई करी थी, तो वो लड़का बार बार परेशान करता था कि तुम आ जाओगी तो मैं तुम्हें मंडप से छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसी बातें करता था। अच्छा, कौन कहता था? वो लड़का कहता था, पहला वाला, पहला वाला। अच्छा तो वो पति कहाँ हुआ पर? तो वो तो संबंध बात है, इसलिए। और जो दूसरा जो लड़का है जिससे शादी की है? नहीं, वो लड़का बढ़िया है सीआरपीएफ में, और उसके बाद लड़का तो कहता है कि नहीं हम तो करेंगे, अभी एक महीना ही हुआ है, और उसके बाद उसकी माँ आज फोन लगा के कहती है कि ये ना तुम्हारे 17 गुण मिले हैं, हम नहीं करेंगे। हमने लिखा, सुने हमने, अब देखिए दोनों बट को ध्यान रखिए, दोनों में हमने क्या लिखा, निर्णायक विषय क्या है इसमें समझने की बात है। इन्होंने जो प्रश्न किया वो ऐसे किया जैसे पहले विधवा हो गई हो, फिर दूसरा टूट गया हो, छोड़ दिया हो, तलाक हो गया हो, ऐसे प्रश्न है कि नहीं? इसी प्रकार की इस लहजे में इन्होंने बात की है। अभी जिस लड़के से बात चल रही है उसका नाम क्या है? विनय। फिर सुन लीजिए आप, हमने क्या लिखा सुनिए। वर्तमान में आपकी बहन रिंकी की शादी नहीं हुई, लिखा रिंकी की शादी वर्तमान में नहीं हुई, लेकिन विनय से योग बन रहा है, गुण मिल रहे हैं 16, 17 भी नहीं मिल रहे हैं, 16 गुण मिल रहे हैं मात्र। ठीक है, जो भी बोल रहा है 17 की तो गलत बोल रहा है, 16 गुण मिल रहे हैं। वहां तलाक नहीं होगा, विधवा नहीं होगी, और विनय से ठीक रहेगा, 100% योग है, आप करें, आशीर्वाद है। रुकिए, ये ले जाइए, इसको कर लीजिएगा। हमारी गारंटी, इसमें कुछ हो जाए तो हमसे कहना, बस इसके लिए आप पंडोखर धाम 5 महोत्सव करें 101%। 16 सितंबर के पहले संबंध शादी कर लेते हैं, आपकी बेटी की, आपकी बहन की लंबी आयु, आप उनके पति की लंबी आयु होगी, और किसी प्रकार से दूरी का योग नहीं है, तलाक नहीं होगा, अन्यथा शादी 5 वर्ष बाद होगी। यदि आप नहीं करना चाहें, डिस्प्यूट करने के मन में कोई विचार लेके बैठ जाएं, तो 5 वर्ष तक शादी नहीं होगी, और जब भी अंतिम होगी वो विनय नाम के लड़के से होगी, दुनिया का कहीं का हो।